नमस्कार। आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप भी हैं गॉडज़िला के फैन तो बताइए कि गॉडज़िला जो गोजीरा वार्ड से बना है वो किन दो एनिमल्स के नाम से लिया गया है? ए गोरिल्ला प्लस व्हेल, बी गोल्डफिश प्लस जेलीफिश एंड सी गोट प्लस चिकन। और आज तो एक हिंट भी है। तो फटाक से फेंको जवाब क्योंकि वन ऑफ द रैंडम सही आंसर पिन किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर से मैं आपका स्वागत है और आज मैं आ चुका हूँ बैक विद अनदर गॉडज़िला वीडियो। पार्ट वन में हमने जिला शिन गॉडज़िला, गॉडज़िला अर्थ और गॉडज़िला फेलियस के बारे में जाना था। देन पार्ट टू में हमने बातें करी थी गॉडज़िला के डीएनए से बने विलेन इविल मॉन्स्टर्स की। और आज इस पार्ट थ्री में हम बात करेंगे गॉडज़िला की कुछ और मजेदार रीइंकार्नेशंस के बारे में एंड एट द एंड उस स्टेट के बारे में जिसे बर्निंग गॉडज़िला कहा जाता है और जिसमें गॉडज़िला एक चलता फिरता जलता हुआ टाइम बॉम्ब बन जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो अगर आता है आपको ये वीडियो पसंद और मॉन्स्टर्स में है आपका शौक तो बिना रुके शोवा गॉडज़िला। 1954 की पहली गॉडज़िला मूवी से लेकर 1975 की 15th गॉडज़िला मूवी को गॉडज़िला के शोवा एरा का माना जाता है। नाउ शोवा एरा में हमें गॉडज़िला के दो रीइंकार्नेशंस देखने को मिले जिसमें से पहले वर्जन के बारे में मैं आपको हमारी गॉडज़िला सीरीज की फर्स्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ। याद है? अरे रे, 1954 वाला गॉडज़िला एक एंशियंट सदियों से सोया हुआ विशाल क्रिएचर था जिसे इंसानों की न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग्स ने जगा दिया था। बस फिर क्या, गुस्से से भरपूर ये गॉडज़िला करता है टोक्यो पर हमला और सबमरीन से लेकर विशाल बिल्डिंग्स सब कुछ को तहस नहस कर देता है। आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। बट फाइनली ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम के एक वेपन का इस्तेमाल करके जिससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के चिथड़े उड़ जाते हैं इस गॉडज़िला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब आता है सेकंड जनरेशन गॉडज़िला जो शोवा एरा की रिमेनिंग 14 मूवीज का स्टार था। तो फर्स्ट गॉडज़िला के मरने के बाद भी न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग चालू ही रहती है जिनसे एक और एंशियंट गॉडज़िला जग जाता है। अब ये गॉडज़िला पिछले वाले जैसा ही था बट विद सम मोर एडवांस्ड एबिलिटीज। इसका वजन 20,000 मेट्रिक टन्स था और हाइट 50 मीटर्स। एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाना और एक बहुत ही खतरनाक एटॉमिक ब्रेथ छोड़ना जिसका टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था इसके लिए बाएं हाथ का खेल था। इसके पास रीजनरेशन एबिलिटीज तो थी ही, साथ ही साथ ये गजब का बॉडी बिल्डर भी था। भाई 20-30 हजार किलो के विशाल मॉन्स्टर्स को उठा के पटक देता था। और मेगाटन पंच कहे जाने वाले इसके लात घुसे ना भाई, इसके एटॉमिक ब्रेथ से भी खतरनाक थे। इसके अलावा भाई एक बार तो इसने मैग्नीटो से पावर्स भी उधार ले ली थी। मतलब गॉडज़िला वर्सेस मेगा गॉडज़िला में हुआ यूं कि इस पर दबा के बिजली गिरी जिससे ये चार्ज हो गया और एक मैग्नेट बन गया। फिर भाई ने जो कुत्ता बनाया ना मेगा गॉडज़िला का, क्या ही बताऊं। नाउ अदर देन दिस, ये गॉडज़िला मार्शल आर्ट्स भी जानता है और उड़ना भी। तो फिर से पी के आया? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, सच्ची बोल रहा हूँ। गॉडज़िला वर्सेस हेडोरा का ये एपिक सीन खुद ही देख लो। अ पॉइंट टू बी नोटेड कि 2021 वाले गॉडज़िला से पहले यही वो इकलौता गॉडज़िला था जिसने पहली बार कॉन्ग के साथ फाइट की थी। हेसे गॉडज़िला 1984 से 1995 तक रहा गॉडज़िला मूवीज का हेसे एरा जिसमें आई 7 मूवीज में स्टार रहा थर्ड जनरेशन गॉडज़िला जिसे हेसे गॉडज़िला नाम से भी जाना जाता है। नाउ हेसे मूवीज की कहानी 1954 की ओरिजिनल गॉडज़िला मूवी के 30 सालों बाद घटती है और बाकी शोवा एरा की मूवीज से इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, तो पहले बात करते हैं हेसे गॉडज़िला के ओरिजिन की। तो ये कहानी दिखाई जाती है 1991 की गॉडज़िला वर्सेस किंग गिडोरा में जो हेसे एरा की तीसरी मूवी थी। तो 2204 AD यानी फ्यूचर से आते हैं कुछ लोग और बताते हैं कि गॉडज़िला ने पूरे जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड इस डिस्ट्रक्शन से फ्यूचर के जापान को बचाने के लिए दे हैव ट्रेवल्ड बैक इन टाइम विद अ धासु प्लान। उनका मानना था कि लेगोस आइलैंड में रहने वाला एक मिस्टीरियस डायनासोर गॉडज़िला सॉरस ही 1950s के दौरान एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के रेडिएशन से म्यूटेट होकर गॉडज़िला बनेगा। सो बांध के अपनी कुर्सियों की पेटियां, वो चल देते हैं बैक टू द पास्ट इन 1944 गॉडज़िला सॉरस को उस आइलैंड से उठा के कहीं दूर समंदर में फेंकने के लिए ताकि वो कभी रेडिएशन से एक्सपोज ही ना हो और गॉडज़िला की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। मस्त प्लान है। बट देन हमें पता चलता है कि वो भविष्य मानुष कमीने होते हैं और उस आइलैंड पर 3 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जीव छोड़ आते हैं एंड देन वो जीव आगे चलकर रेडिएशन से एक्सपोज होकर किंग गिडोरा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं।
देन 1990s के दौरान वो किंग गडोरा जापान पर अटैक कर देता है, जिसके बाद 1991 के जापानियों के दिमाग में आता है एक धांसू आइडिया। वो निकल लेते हैं समुंदर में फेंके हुए गॉडजिला सॉरस को ढूंढने, ताकि उसे रेडिएशन से बॉम्बार्ड करके गॉडजिला में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। अब वो इस बात से अनजान होते हैं कि 1970s के दौरान उस गॉडजिला सॉरस को समुंदर में एक रेडिएशन से भरपूर डूबी हुई रशियन शिप मिल गई थी, जिसके रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके वो ऑलरेडी धीरे धीरे गॉडजिला बन रहा था। बट इस बात से अनजान जापानी उस पर रेडिएशन का दूसरा डोज छोड़ देते हैं। अब यार 25 दिन में पैसा डबल का तो पता नहीं, बट इस दूसरे डोज के बाद गॉडजिला का साइज डबल जरूर हो गया और वो गजब का खतरनाक मॉन्स्टर बन गया। Now throughout various Heisei movies, Godzilla की height 80 meters से लेकर 100 meters और weight 50,000 metric tons से लेकर 60,000 metric tons रहा। और भाई ये कत्ताई पहलवान था, 150,000 metric ton भारी monsters को उठा उठा के फेंकता था ये। Now इस Godzilla की atomic breath भी कत्ताई super duper hit थी भाई, जिसका temperature 500,000 degree Celsius तक पहुंच सकता था। बाकी ये तो basic beam थी, इसके अलावा ये और भी advanced spiral heat rays भी छोड़ता था, जिसका temperature 10-10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। नाउ इसके अलावा इस गॉडजिला के पास एक न्यूक्लियर पल्स भी थी, जिसमें ये एटॉमिक एनर्जी को मुंह से ना छोड़कर सीधे अपने शरीर से हर डायरेक्शन में एमिट करता था। अब यार एक बार तो इस गॉडजिला पर स्पेस से एक मीटियोर आकर भी गिर गया और इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। Then comes regeneration. तो भाई वो तो वैसे भी गॉडजिला का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर इसकी भली रीजनरेशन एबिलिटी तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। Now let's talk about its burning Godzilla form. तो Heisei Godzilla after absorbing बहुत 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 सारा radiation overload हो जाता है। अजीब जानवर ये, कितना भी खा ले भूखा ही रहता ही। हाँ, ये जानवर रेडिएशन का पहाड़ खा जाता है भाई पूरा का पूरा, एंड देन बर्निंग गॉडजिला स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इस दौरान इसका हार्ट एक ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करने लगता है, जो कतई आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो। अब सब विश कर रहे थे कि उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई लेकिन सबकी फटी हुई भी थी, क्योंकि अगर ये फट जाता ना तो अपने साथ पूरे प्लेनेट को भी उड़ा ले जाता। नाउ इस स्टेट में गॉडजिला बहुत ही पावरफुल हो जाता है, उसकी स्टैंडर्ड हीट रे बर्निंग हीट रे बन जाती है और स्पाइरल हीट रे बन जाती है बर्निंग स्पाइरल हीट रे, ऑल्सो नोन एज इन्फिनिटी रे, जिसे जितने बार भी यूज किया जाता है उसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ते रहती है। जैसे बज लाइटियर कहता है ना, वैसे ही इन्फिनिटी तक। अब इसी दौरान जब गॉडजिला एक्सट्रीम मेल्टडाउन टेम्परेचर्स तक हीट अप होने लगता है, तो उसकी न्यूक्लियर पल्सेस भी एक्सट्रीमली पावरफुल बट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। ऑरेंज कलर की ये न्यूक्लियर पल्सेस इतनी खतरनाक होती हैं कि आसपास मौजूद सब कुछ जलने और पिघलने लगता है। नाउ इस स्टेट के दौरान गॉडजिला की रीजनरेशन भी गॉड लाइक हो जाती है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, चाहे कितना भी बड़ा घाव क्यों ना लग जाए, त्वचा यदि जल जाए। ये बर्निंग गॉडजिला एकदम फटाफट चुटकियों में खुद ब खुद हील हो जाता है। नाउ बर्निंग गॉडजिला डिस्ट्रॉयर से लड़ता है, जिस दौरान इसका टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट स्टिल आफ्टर द फाइट वो मेल्टडाउन होने लगता है, इसलिए ह्यूमंस उसे फ्रीज करने की कोशिश करते हैं और फाइनली इसका दिल फट जाता है। बट थैंक्स टू द फ्रीजिंग, ये एक्सप्लोजन अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स गॉडजिला मर जाता है और Heisei एरा का अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे गॉडजिला के शोवा और Heisei इंकार्नेशंस। और हाँ, बर्निंग गॉडजिला वाली इस स्टेट जैसी एक स्टेट मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला भी अचीव कर लेता है, जिसके बारे में विल टॉक इन द नेक्स्ट पार्ट। जो अगर आप जल्दी देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में बता दो, हम फटाफट बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।